भारत इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब देशों के लीडर्स इस सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लेकिन भारत आने से पहले उनकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत हुई। पुतिन इस सम्मेलन में तो नहीं आ रहे, लेकिन वर्चुअली वो भी इसमें भाग लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस सम्मेलन से पहले दोनों देशों के बीच क्या बातचीत हुई। तो बता दें, सबसे पहले तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन कॉल के दौरान ब्रिक्स में सऊदी के प्रवेश का समर्थन करने के लिए रूस के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ पुतिन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ओपेक प्लस प्रारूप में काम की सराहना की। क्रेमलिन ने जानकारी दी कि दोनों ने बातचीत के दौरान आपूर्ति में कटौती पर हाल के समझौतों और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता को लेकर अपनी बात रखी। तेल बाजार में तेजी और चौथी तिमाही में कम आपूर्ति की उम्मीदों के बावजूद सऊदी अरब और रूस ने स्वैच्छिक तेल आपूर्ति कटौती को साल के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की। रूस प्रतिदिन 3 लाख बैरल तेल निर्यात को कम करने के अपने फैसले को वापस ले लेगा, जबकि सऊदी अरब 1 मिलियन BPD की अपनी स्वैच्छिक तेल उत्पादन कटौती को बढ़ाएगा। क्रेमलिन ने कहा कि तेल उत्पादकों के समूह ओपेक प्लस के ढांचे के भीतर अपने देशों के बीच सहयोग से बेहद संतुष्ट है। बता दें, सऊदी और रूस की ये बातचीत अगर किसी को सबसे भारी पड़ने वाली है तो वो और कोई नहीं बल्कि अमेरिका है। हालांकि क्रेमलिन ने कॉल के रीड आउट में कहा कि तेल उत्पादन को कम करने पर हुए समझौते वस्तु की आपूर्ति को सीमित करने के लिए स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के साथ मिलकर वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता सुनिश्चित करना संभव बनाते हैं। तेल उत्पादन को कम करने पर समझौते बाजार की स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। क्रेमलिन ने कहा, पुतिन और क्राउन प्रिंस व्यक्तिगत संपर्क जारी रखने पर सहमत हुए हैं। हालांकि भारत के नजरिए से देखा जाए तो दोनों ही देशों के संबंध भारत के साथ अच्छे हैं। रूस की मदद भारत ने हर मोड़ पर की है। जब पूरी दुनिया उसका विरोध कर रही थी, उस वक्त भी भारत रूस के साथ खड़ा था। सऊदी से भी भारत ने पिछले कुछ सालों में रिश्ते काफी बेहतर किए हैं। G20 समिट में हिस्सा लेने क्राउन प्रिंस भारत भी आ रहे हैं। हालांकि G20 को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।